हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 20x30 की तीसरे नंबर की प्लानिंग। पहले भी मैं दो वीडियो आपके जो है 20x30 के डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है जिसकी हम 3 BHK की प्लानिंग कर रहे हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट फेसिंग प्लानिंग। इस प्लान में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं कि मैं एक बार चर्चा आप यहाँ पे कर लेता हूँ। इसमें हमने पूरे प्लान को 3D में बनाकर दिखाया है, इसमें हमने इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा ये भी दिखाया है, इसमें किचन और मंदिर को हमने कहाँ रखा है और डिजाइन कैसा होगा ये भी हमने इसमें दिखाया है। इसमें आप देखेंगे कि इतने छोटे से प्लॉट में 3 BHK की प्लानिंग हमने कैसे की होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने 3 BHK की प्लानिंग की। इसका जो फ्रंट है वो 20 फुट का है और गहराई हमारी 30 फिट है। साइड वाली रोड पर इसकी गहराई 30 फिट है। यहाँ हमने फ्रंट पे एक गार्डन बनाकर दिखाया जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ हमने दो रैंप आपको दिए हुए हैं जिसको हम फोर व्हीलर को अंदर ले जाने का काम करते हैं आराम से। यहाँ 3 स्टेप दिए हुए जिससे कि हम घर के तरफ एंटर कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टील का डोर भी आपको लगा के दिखाया है। आप यहाँ पे एक नेम प्लेट भी बना के दिखाया जिसपे AKG हाउस लिखा हुआ है। ये फ्रंट का डिजाइन है, थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद अंदर की प्लानिंग किस तरह से, आइए हम उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है एक छोटी नैनो कार हमने आपको यहाँ पे रख के दिखाई है। ये नए मॉडल की नैनो कार है जो हमने यहाँ पे आपको रख के दिखाई है पोर्च में। और यहाँ जो है पोर्च पे हमने फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है। और यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये स्टेयर केस की चौड़ाई 2.5 फिट है और यहाँ से जो है ये हमारे जो है करीब 14 स्टेप होते हैं। उसके बाद 15, 16, 17, 18 करीब चार स्टेप इसमें और आएंगे जो कि इस तरफ टर्न होकर के ऊपर चढ़ेंगे, वो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इस पोर्च के साइज की। तो यहाँ 9.5 फुट हमने टोटल चौड़ाई दे रखी है जो में स्टेयर केस भी इंक्लूड है और ये पार्किंग एरिया भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। नैनो कार हमारी मात्र जो है 9.5 और 10 फुट की होती है, तो आराम से इसमें हमारी नैनो गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस बचेगा। स्टेयर के नीचे जो है हम स्टोरेज बना सकते हैं, अपना जो है शूज रैक बना सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं, कोई भी प्रकार का स्टोरेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टू व्हीलर भी आराम से पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं, हमने अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की एंट्री जो है हमने आपके पोर्च एरिया से ही रखी जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। यहाँ हमने आपको वुडन डोर आपको लगा के दिखाया जो कि डिजाइनर वुडन डोर है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ से एंट्री होते से ही हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई जिसमें 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और कॉर्नर में हमने एक सोफा लगा के दिखाया जिसमें 3 सीटर सोफा इसको कैसे थे, 3 से 4 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। सामने हमने आपको एक सेंटर टेबल लगा के दिखाई है जिस पर कालीन रखी हुई है। यहाँ हमने आपको एक विंडो लगा के दिखाई जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है और जो हमारी साइड वाली रोड पर ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, AC हम जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसमें इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, वो दूसरे एंगल से ये हॉल हमारा कैसे देखने में लगता है। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है बिल्कुल सोफे के बिल्कुल ठीक सामने हमने एक TV यूनिट लगा के दिखाई है जिसमें हमने एक TV यूनिट भी है और मंदिर भी है। यहाँ हमने आपको एक मंदिर भी बना के दिखाया, वो किस तरह से उसको आपके अगले पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ की। इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 14 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने मंदिर की। मंदिर हमने किस तरह से बना के दिखाया उसको भी देख लेते हैं। देखिए, हमने कॉर्नर में आपको एक मंदिर बना के दिखाया जो कि 2 फुट चौड़ा है और करीब 1 फुट इसकी गहराई हमने यहाँ पर रखी हुई है। आप बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपने किचन एरिया की। वो किचन एरिया किस तरह से, आइए उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा किचन है। किचन एरिया की जो एंट्री है हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही हमने दे रखी जो कि हमारी ओपन एंट्री है। यहाँ हमने आपको एक साइड में फ्रिज रख के दिखाया है और फ्रिज के साथ ही हम जो है 3 फुट का जो है चौड़ाई के साथ अपनी किचन की तरफ एंटर करते हैं। जब किचन में हम पहुँचते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने L-शेप में एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाया जो कि मॉड्यूलर किचन के साथ हमने बना के दिखाया जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक आपको चिमनी लगा के दिखाई जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक चिमनी लगा के दिखाई है और यहाँ कॉर्नर में हमने एक सिंक लगा के दिखाया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये सिंक और सामने फ्रंट पर हमने गैस चूल्हा आपको लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है जिससे हम आने जाने वाले ऊपर नज़र रख सकते हैं। वो विंडो हमारी जो है 2.25 फुट चौड़ी विंडो है, आराम से हम इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके कलर की बात करें तो लाइट ग्रीन कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो साइज़ जो मैंने इस किचन का दे रखा है वो चौड़ाई में 5 फिट है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है जो कि पर्याप्त मात्रा में है। आप चाहें तो मन चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 लोग 3 लोग आराम से काम कर सकते हैं। गैस पर काम कर सकता है एक, आपका जो है सिंक पर काम कर सकता है, कोई चॉपिंग वगैरह कुछ करना है, कुछ काटना है तो वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जिससे कि आपको वो वीडियो पसंद आए, आपको वो चीज़ें पसंद आए, जिससे आप भी उस घर को अपनी तरह से उसको बना पाए। उसको बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो प्लीज़ एक बार लाइक तो करें, क्योंकि इतने खूबसूरत वीडियो आपके लिए बनाते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ आप अपने जो है घंटी वाले बटन को भी दबा के रखें, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट, वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कॉमन जो टॉयलेट है, उस कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने अपने वॉश एरिया से रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने आपको यहाँ पे कॉर्नर बेसिन लगा के दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस कॉर्नर बेसिन की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई रखी है। यहाँ हमने आपको एक कर्टन डाल के दिखाया, जिससे जो है कोई अगर हॉल में बैठा है तो ना हो, तो हम इसमें कर्टन लगा के रखे हैं। यहाँ हमने आपको एक वॉश बेसिन दे रखा है, जिसमें हम कांच मतलब मिरर हमने दे रखा है, मिरर में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने जो है कॉमन टॉयलेट की, वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी एंट्री दे रखी है। एंट्री होते से ही हमने कॉर्नर में अपने यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा के दिखाया है और यहाँ हमने एक टॉयलेट सीट लगा के दिखाई है। और उसके बाद ग्लास का पार्टीशन देते हुए हम अपने अंदर एंटर करते हैं अपने वेडिंग एरिया में। जो वेडिंग एरिया है ये हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, जिसपे आप आराम से नहाने का काम कर सकते हैं। अगर कॉमन टॉयलेट के साइज की बात करते हैं तो ये 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। जैसा कि आपको ये पता है कि ये बेडरूम नंबर 1 हमारे पेरेंट्स का है, तो हमने इस पेरेंट्स के बेडरूम की जो एंट्री हमने पोर्च एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और एंट्री के साथ ही अब हमने फ्लोर पे देख पा रहे हैं, यहाँ वुडन टाइल्स का हमने यूज़ किया हुआ है और पीछे वॉलपेपर लगा के दिखाया, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ हमने वॉल पे जो कलर यूज़ किया वो लाइट कह सकते हैं येलो कलर है। एक साइड में हमने विंडो भी दे रखी, जो कि साइड वाली रोड पर ओपन होती है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। एक साइड में हमने जो है एक अलमेरा बना के दिखाई, जो कि स्टोरेज का काम करती है, और मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, और इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाता हूँ कि ये देखने के बाद जैसे आप पलंग पर लेटे तो सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। और इस डिजाइनर गेट को देखते हुए बहुत सुंदर इस रूम को देखने में लग रहा है। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, हमारा बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 किस तरह से देखिए, ये जो बेडरूम नंबर 2 है उसकी एंट्री हमने जो है ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने 2 बच्चों के लिए अलग अलग पलंग आपको लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक स्टडी टेबल लगा के दिखाई, जिसमें बच्चे आराम से अपना स्टडी कर सकते हैं। पीछे हमने वॉलपेपर यूज़ किया, जो कि बच्चों के हिसाब से हमने बटरफ्लाई का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। और वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। इसको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ हमने एक वार्डरोब भी आपको बना के देखिए, जिससे बच्चे अपने अपनी अलमारी में अपने अपने सामान को प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। एक साइड में हमने आपको एक विंडो दे रखी, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, एसी हम जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम। उस मास्टर बेडरूम को भी हम एक बार देखते हैं। देखिए, ये मास्टर बेडरूम की एंट्री हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देखिए, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने जो है बेडरूम नंबर 3, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, उसमें एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, जिसके ठीक सामने हमने टीवी यूनिट लगा के दिखाई है, जिस पर कि आप लेटे लेटे आराम से टीवी का मजा ले सकते हैं। राइट साइड में हमने एक वार्डरोब लगा के दिखाई, जिसमें आप मन चाहे अपना स्टोरेज कर सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है ओवरऑल प्लानिंग आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, वो इस तरह से 2 ओवरऑल प्लानिंग है। यहाँ हम बात कर लेते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर या इंटीरियर का पार्ट छोड़ करके इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हमें 8 लाख रुपये लगेंगे। इस 8 लाख रुपये में आप फ्लोरिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डोर लगा सकते हैं, विंडो लगा सकते हैं, सब कुछ इसमें जो है ऑल फिनिश्ड है। केवल हम फर्नीचर इसमें नहीं लगा सकते, पलंग है, अलमीरा है, किचन है, आपका जो है सोफ़ा है, आपकी डाइनिंग टेबल है, ये सब चीज़ें आप इसमें नहीं लगा सकते। ये इनमें मैंने इंक्लूड करके नहीं रखे हैं। इस पूरे जो है मकान को तैयार करने में मात्र 8 लाख रुपये का आपका खर्चा आने वाला है। 8 लाख रुपये में ये इतना खूबसूरत मकान बन के तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं
अपने जो 3D में हमने आपको दिखाया है, 3D में आपका 2D प्लान अगर आपको लेना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। साइड में मैंने आपको एक एरो भी बना के दिखाया है जिससे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप अपने 2D मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने वीडियो अभी तक जो है YouTube पर डाले हैं उन सबका अगर 2D मैप आपको लेना है तो उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उन दोस्तों को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस मकान को जो है इसका रेफरेंस लेते हुए मकान को अपना इतना सुंदर बना सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।